आज हम बात करेंगे द मोस्ट अंडररेटेड एंड पावरफुल कैरेक्टर द अनसंग वॉरियर ऑफ जुजुत्सु काइसेन तोजी फुशिगुरो। तोजी फुशिगुरो जो ना ही कोई सॉसरर है, जिसके पास ना ही कोई मैजिकल पावर्स है, ना ही कोई कर्स एनर्जी है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा पावर होल्ड करता है कि अगर वो ग्रेड वन सॉसरर्स के बीच भी खड़ा हो जाए तो उनके पसीने छूट जाएंगे। तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जोगो, जिसे सुकुना ने स्ट्रॉन्गेस्ट कहा है, वो गोजो सातोरो को छू तक नहीं पाया था। गोजो लिटरली उसके साथ खेल रहा था। यहाँ तक कि द ग्रेटेस्ट सॉसरर एवर सुकुना रियोमेन अपने 20 फिंगर के साथ भी गोजो सातोरो को हराने में स्ट्रगल कर रहा था। हजार साल में पहली बार सुकुना डरा था कि कहीं वो हार ना जाए, और उस गोजो सातोरो को तोजी ने बिना अपने चेहरे पे एक शिकन लाए लगभग जान से मार डाला था। गोजो अगर एग्जैक्ट टाइम पे अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी चोटों को हील नहीं किया होता तो वो ब्लीड के ही कारण मर जाता। यह है पावर एक नॉर्मल इंसान की, तोजी फुशिगुरो की। एक और बात जो हमें एपिसोड 16 में पता चलता है, जहां मेगुमी का कहना था कि तोजी की स्पीड और सुकुना की स्पीड सेम है। तुम इमेजिन कर सकते हो एक इंसान को द ग्रेटेस्ट सॉर्सरर एवर, द किंग ऑफ कर्सेस से कंपेयर किया जा रहा है, और उसे बदले में रिकॉग्निशन मिला हो आज ही घंटा। एपिसोड 15 और 16 में आखिर जो उसने डोमिनेट करा है, जहां डेगोन को ग्रेड 1 के दो सॉर्सरर्स और ग्रेड 2 के दो सॉर्सरर्स मिलके छू तक नहीं पा रहे थे, वहां ये हंसते हंसते आया और उसे फाड़ के चला गया। और एपिसोड 16 के बाद बात किसकी हो रही है? सिर्फ सुकुना की। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी बात नहीं होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, आखिरकार वो पूरी सीरीज का मेन एंटागनिस्ट है और अपने 15 फिंगर के साथ वापस आया है। लेकिन थोड़ी इज्जत, थोड़ा रिकॉग्निशन तोजी को भी तो मिलना चाहिए, वो थोड़ा तो डिजर्व करता ही है। यहाँ तक कि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जोगो तक की बात कर रहे हैं कि उसे सुकुना ने स्ट्रांग कहा है, वो स्ट्रांग था, उस पे एडिट्स बन रहे हैं, उसे रिकॉग्निशन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी तोजी की बात नहीं कर रहा, जो देखकर बुरा लगता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सिर्फ एनिमे कैरेक्टर तो है, इतना क्यों टेंशन ले रहा है। तो अगर तुम एनिमे देखते हो और बहुत अच्छे अमाउंट में देख रखे हो तो तुम्हें पता होगा एनिमे कैरेक्टर सिर्फ एनिमे कैरेक्टर्स नहीं होते। एरन येगर्स के फैन मुझे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जहां मूवीज कैरेक्टर के मरने पे लोग रोते हैं, वैसे ही एनिमे कैरेक्टर के मरने पे लोगों को दर्द होता है। तो एनिमे कैरेक्टर को भी उतनी ही इज्जत दिया करो जितने मूवीज कैरेक्टर को देते हो, क्योंकि एट लास्ट वो दोनों सेम ही है, कैरेक्टर्स है। तो आज का वीडियो यही था कि तोजी के बारे में बात किया करो, उसपे से अंडररेटेड का टैग हटाओ, उसपे भी एडिट्स बनाओ। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि पूरे एनिमे वर्स में रोरनुवा जोरो को कौन हरा सकता है, तो तुम हजारों लाखों के नाम ले लोगे, लेकिन तुम कभी भी तोजी का नाम नहीं लोगे। उसे भी पहचान दो, उसे भी कंपेयर किया करो, उसकी भी बात किया करो, उसका भी नाम लिया करो।